आपकी तरफ से कौन से सौदे हैं, क्योंकि बाजार का आज फ्लेवर हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी बैंकिंग वाले में थोड़ी सी तेजी दिख रही है, क्या उस खेमे से कोई स्टॉक है या फिर कुछ और चुना आपने? तो बिल्कुल अभिषेक जी, एक स्टॉक जो है वो बैंकिंग खेमे से ही है, और उसमें भी पीएसयू बैंक हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहे हैं। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक नियर टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 228 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 210 का। जो दूसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का है, और उसमें अल्केम लैब पे हमें लगता है कि यहाँ पे वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होगी। अगर स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो डेली सेटअप के हिसाब से भी देखे तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में एक वीकनेस यहाँ पे बनी है, आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया का होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अल्केम लैब में फर्दर डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है। 3490 तक के डाउनसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा फ्यूचर में शॉर्ट करने का करीब 3600 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय साइड का है वो है कोल इंडिया। एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला और एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रेंथ है, ये सेगमेंट में ही अगर हम देखें तो पावर है सेक्टर एक अच्छा लाइमलाइट में। हमें लग रहा है कि पावर में कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 290-92 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 279 के आसपास। ये